गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सबका हमारे अपनी टीचर एग्जाम करने में। तो दोस्तों अब सिर्फ एग्जाम का 2 दिन बच गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। तो अब आप लोग अगर रिवीजन करना स्टार्ट नहीं किए हो तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दो आप लोग, क्योंकि एग्जाम का महज 2 दिन बचा हुआ है। आपका पता है कि जो फिजिक्स का एग्जाम है वो आप लोग का 1 फरवरी से स्टार्ट है और 1 फरवरी को ख़त्म भी हो जाएगा। तो आप लोग को अगर आप लोग ने रिवीजन नहीं किया है तो आप लोग से बस यही कहूँगा कि रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसीलिए के लिए ये जो वीडियो आ रही है, जो वीडियोज आप लोग को मिलेंगी अभी, ये जो फिजिक्स का 5-7 वीडियो मैं डाल दूंगा, 5-7 वीडियो अगर पढ़ करके जाते हो तो 70-80% मार्क्स आपके लिए सिक्योर हो जाएंगे। 80 नहीं तो 70% मार्क्स एकदम डेफिनेटली है जो कि आप लोगों के लिए सिक्योर हो जाएंगे। आप 2 मिनट वीडियो देख लेना, आप 2-4 क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद इसे आप इसे खुद डिसाइड करना कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हो ये शायद 5 नंबर हो, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, जो मतलब कि हम जो टोटल वीडियो डालेंगे फिजिक्स का, टोटल वीडियो जो फिजिक्स का डालेंगे वो हम 7 वीडियो डाल सकते हैं, जिसमें से आप शायद ये पहला नंबर का वीडियो देख रहे हो, या फिर ये आपका ये दूसरा हो सकता है, या तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, या 5 हो सकता है, 6 या 7 कोई भी वीडियो ये हो सकता है, ठीक है। जिसमें कि सारे के सारे वीडियो में आप लोग को अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हाँ 1 तारीख तक आप लोग पूरा वीडियो देख जा रहा है ताकि आप लोग ऐसे जितना भी तैयारी अगर नहीं हुआ है, रिविजन नहीं हुआ है, तो आप लोग ऐसे रिविजन हो जाए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं 1 फरवरी के लिए है, टोटल नंबर ऑफ सेट कितना है, 5 से 7 है, यानी कि ये शायद आप लोग देख रहे हो तो ये शायद सेट नंबर 1 होगा या सेट नंबर 2 होगा। कोई भी वीडियो आप लोग ऐसे उठा करके देख लेना, आपको 1 तारीख तक ऐसे 5 से 7 वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि ऐसे आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए, तो आप लोग का ऐसे बेनिफिट होगा। तो इसलिए जो भी बच्चे अगर ऐसे वो रिविजन नहीं कर रहे हैं तो रिविजन करना स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़िए, कुछ भी एक्स्ट्रा कहीं से भी मत पढ़िए, सिर्फ रिविजन कीजिए। जितना पढ़ा आप लोग ने बहुत हो, अब बस रिवीजन पर ऐसे ध्यान दीजिए, जो भी पढ़े उसको रिवीजन कर लीजिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी ऐसे, बायोलॉजी केमिस्ट्री और मैथ्स के भी जल्द से जल्द जिस दिन एग्जाम होगा उसके 1 दिन पहले ऐसे वीडियो डाल दिया जाएगा, 5 से 7 वीडियो ऐसे आ जाएगा ताकि आप लोग का ऐसे डाउट क्लियर हो जाए, आप लोग ऐसे दिक्कत खत्म हो जाए, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग पूरे के पूरे, और मैं बता दे रहा हूँ सेम टू सेम, अगर मान लो ये 5-7 आप लोग जो वीडियो देखोगे फिजिक्स में, तो उसमें सारे के सारे में यही बोलूँगा, बार बार जो भी मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में वही आप लोग ऐसे रिपीटेड रहेगा। तो आप लोग इसे पूरा का पूरा ऐसे देख लीजिएगा, क्वेश्चन सारा का सारा डिफरेंट रहेगा, हर तरह से क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है। किसी वीडियो में आप लोग को 40 क्वेश्चन मिलेगा, किसी में आप लोग को ऐसे 50 क्वेश्चन मिलेगा, किसी में 60 क्वेश्चन मिलेगा, किसी में 100 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप लोग का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से वो एक होगा। उन सारे वीडियो में से आप लोग का देख लेना, हर एक क्वेश्चन में से आप लोग अगर नहीं आता है तो फिर उसके बाद आप लोग अगर कहना, तो इसलिए से चलिए वीडियो को ऐसे आप लोग देखिए, आराम से देखिएगा, पूरा पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे याद हो जाए। मिलते हैं वीडियो में, आप लोग से बस यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। 1 फरवरी के लिए हम लोग ऐसे तैयारी कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखिए 8 दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू। तो आपको पूछ रहा है 8 दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर है R^-2। तो 8 दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है, R^-2 के समानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत फलक्स का विमीय सूत्र होता है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो आपको पूछ रहा है विद्युत फलक्स का विमीय सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ML2T-3 I^-1। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा ही, इसलिए आपको सभी का फॉर्मूला आना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये होता है, इसी तरह से आपको सब चीज का आना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह सब चीज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, पी विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो ये जब यानी कि पी जब रखा जाए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये पोटेंशियल रखा जाता है, ठीक है, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, तो उस पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा, यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, यानी कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में इसको रखा जाता है टॉर्क को तो उस समय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसके बराबर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, P वेक्टर क्रॉस E, यानी कि पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका राइट आंसर होगा 3rd का, ठीक है। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, लगने वाला बल आघूर्ण होगा किसके बराबर, P क्रॉस E के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप उसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। एकांक आवेश को सभुविमीय सतह पर एक्स मीटर ले जाने में किया गया कार्य होता है। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू अ डिस्टेंस एक्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में यानी कि सभुविमीय सतह पर एक्स मीटर ले जाने में किया गया कार्य होगा,
होगा, वर्क होगा जब हम लोग इस सतह पर x मीटर दूरी लेके जाएंगे, तो इसका आपको राइट आंसर 4 का होगा, सी शून्य, कितना होगा शून्य, ठीक है। तो जो भी हम लोग इक्विपोटेंशियल में कितना भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आपका कार्य होगा शून्य, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज होलो स्फेरिकल कंडक्टर इज, तो आपको पूछ रहा है आवेशित खोखले यानी कि चार्ज किया हुआ है खोखले गोला, ठीक है, उसके अंदर विद्युत तीव्रता होती है, क्या होती है, तो दोस्तों 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी शून्य। तो जो भी आवेशित यानी कि चार्ज रहेगा, चार्ज सहित होगा, खोखला गोला होगा, उसके अंदर विद्युत तीव्रता शून्य होगी, क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक चालक जिसकी धारिता 20 mF है, ठीक है, माइक्रोफराड, mF मतलब माइक्रोफराड, को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो चालक की स्थितिज ऊर्जा होगी, आपको पूछ रहा है अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी 20 μF इज चार्ज टू 1000 वोल्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर विल बी, तो आपको यहाँ पर माइक्रोफराड दिया हुआ है, 1000 वोल्ट आवेशित दिया हुआ है, जब आप दोस्तों यहाँ पर आपको पूछ रहा वर्क, ठीक है, आपको सिंपली पूछ रहा वर्क, तो वर्क बराबर होता है पोटेंशियल, तो भी बराबर IR जब आप निकलेंगे तो ये आपका निकल जाएगा, तो जब आप लोग निकालेंगे, वैसे देखिए आप लोगों को न्यूमेरिकल को यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस बार आप लोगों के पास ऑप्शन दुगुनी है, 70 है, 70 में आपको मात्र 35 बनाना है, ठीक है, तो मान लेते हैं 10 अगर आपको न्यूमेरिकल दे देता है, तो छोड़िए 60 में आपको कम से कम मात्र 35 ही बनाना है, ठीक है, इसलिए आप लोग न्यूमेरिकल का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, फॉर्मूला वगैरह बिल्कुल भी याद मत कीजिए, याद जितना है बस आप जो है ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन बन सकता है उस तरह का क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10^4 जूल, जब आप उस फॉर्मूला पे बताइएगा तो 10^4 जूल आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सीएल का ईएमएफ मापा जाता है, द ईएमएफ ऑफ अ सीएल इज मेजर्ड बाय, तो आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो सेल का यानी कि बैटरी का जब हम लोग ईएमएफ मापते हैं मेजर करते हैं, तो वो किसमें किससे करते हैं, वोल्टमीटर से, विभव मापी से, किससे करते हैं, तो दोस्तों 7 का राइट आंसर है विभव मापी, क्या है, विभव मापी यानी कि पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से हम लोग ईएमएफ मापते हैं सेल का यानी कि बैटरी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, मैंने पहले भी वीडियो में इसको बताया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग बार पूछता है, किरचॉफ करंट रूल इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, आपको पूछ रहा है किरचॉफ का जो धारा नियम है वो किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, किस राशि की, आप लोग कमेंट करेंगे, तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी आवेश यानी कि चार्ज से संबंधित है, क्या है, राशि के संरक्षण, चार्ज राशि के संरक्षण से संबंधित है, आवेश आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ मेजर ऑफ, तो आपको पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मापा जाता है, विभवांतर को, आवेश को, ऊर्जा को, धारा को, पोटेंशियल डिफरेंस को, चार्ज को, या फिर एनर्जी करंट को, किसको मापा जाता है, तो दोस्तों 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऊर्जा को, किसको, एनर्जी को, तो एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मापा जाता है, ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, जूल में भी और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा, यहाँ पर आघूर्ण मतलब टाउ, ठीक है, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, इसको एम से, स्थित को एम से डिनोट करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा, थोड़ा इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं, द टोर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको पूछ रहा है जब हम लोग टोर को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से, टोर को किससे डिनोट करते हैं, टाउ से, यानी कि आघूर्ण, ठीक है, तो आघूर्ण का मान जब हम लोग वहीं पे, आपको फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है सेम टू सेम, जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग इसको रखते हैं, तो उस समय अनुभूत बल यानी कि आघूर्ण टाउ का मान कितना होगा, ये आपको पूछ रहा है, तो दोस्तों 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, यहाँ पर ये ऑप्शन है, ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी आपका राइट आंसर होगा 10 का, यानी कि टॉर्क को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एम क्रॉस बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, मुख्य धारा का 1% ही गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए, रेसिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज जी, शंट यूज टू एलो 1% ऑफ मैन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज, तो आपको पूछा है एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया हुआ क्या है, जी, और मुख्य धारा का 1% गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो जाता है, ठीक है, मुख्य धारा का 1% गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित हो, इसके लिए शंट का मान होना चाहिए, तो शंट जो है वो एक प्रकार का वो भी रेजिस्टर होता है, ठीक है, छोटा शंट, तो दोस्तों 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए, G upon 99 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, आप लोगों को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्तकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर दिया जाए, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा, करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल, इफ द रेडियस ऑफ द कॉइल इज डबल, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर विल बी, तो आपको पूछ रहा है किसी वृत्तकार कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, वृत्तकार कुंडली में धारा यानी कि चार्ज प्रवाहित होती है, यदि कुंडली की त्रिज्या दुगुनी कर देंगे, यदि उसका रेडियस दुगुनी कर देंगे, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा, तो उसके बीच में सेंटर में
चुंबकीय क्षेत्र की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का तीव्रता का मान होगा, दुगुना होगा, तिगुना होगा, क्या होगा, कितना बढ़ेगा, जब हम लोग त्रिज्या को दुगुना कर देंगे तो कितना मान बढ़ेगा, यही आपको सिंपली पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा आधा यानी कि हाफ, ठीक है। तो जब हम लोग त्रिज्या को दुगुनी करेंगे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आधा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो आप लोग कमेंट करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डायनामो के जो कार्य है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। द वर्किंग ऑफ अ डायनामो इज बेस्ड ऑन विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, स्वपरेरकत्व का मात्रक है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, तो इसका इकाई क्या है, आपको पूछा सिंपली स्वपरेरकत्व यानी कि इंडक्टेंस का इकाई क्या है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर है हेनरी, क्या है हेनरी, तो इंडक्टेंस का क्या होता है हेनरी होता है, उसको हम लोग हेनरी से डिनोट करते हैं, स्वपरेरकत्व को हेनरी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तब इफ N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफर, देन, आपको पूछा है किसी ऊंचाई ट्रांसफर में, ठीक है, कोई ट्रांसफर है उसमें प्राइमरी में यानी कि पहला में और सेकेंडरी में, तो पहला में क्या है N1 और सेकेंडरी में N2, तार जो है लपेटा हुआ है, एक में N1 एक में N2, अब आपको पूछ रहा है यहां पर N1 बड़ा होगा या फिर N2 बड़ा होगा, यही आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, N2 जो है हमेशा N1 से बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों मान लेते हैं गोलाई है, इसको हमको यहां पर ध्यान से देखिए आप, मान लेते हैं लंबा है, इसको हमको गोल करना, तो पहले N1 को लपेटेंगे, उसके बाद ऊपर से N2 को, तो N2 हमेशा यहां पर बड़ा होगा, ठीक है। मान लेते हैं N2 को रेडियस आप मान लीजिएगा अगर, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो रेडियस हमेशा N2 का बड़ा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, यह भी क्वेश्चन कभी कभी आपको पूछ लेता है बिहार बोर्ड में, खास करके पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज, तो आपको LR परिपथ का शक्ति गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र B के मान का अनुपात होता है, द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट पॉइंट ऑफ अ स्मॉल मैग्नेट एट इट्स एक्सियल एंड इक्विटोरियल पोजीशन, तो आपको यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है, मैं ऊपर लेके जाता हूँ, आपको यहाँ पर पूछ रहा है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र बी का मान का अनुपात होगा, आपको पूछ रहा है। तो 17 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2:1, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसका राइट आंसर क्या है 2:1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज, तो आपको पूछ रहा है पृथ्वी के चुंबकीय जो ध्रुव है उसका कोण कितना होता है पृथ्वी से, सिंपली यही आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 18 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो नमन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, एंगल ऑफ डीप कितना होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, आपको पूछ रहा है द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किधर होती है, किधर वो चलती है, ठीक है, किसके समांतर वो चलती है, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर जो आपका है ऑप्शन डी, E क्रॉस B के समांतर, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, तो E क्रॉस B के समांतर होती है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के यानी कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है, आपको पूछा है एन एयर बबल इनसाइड वाटर साइंस ड्यू टू, तो किसी किसके कारण, ठीक है, किसके कारण यानी कि अपवर्तन परावर्तन, किसके कारण जो है बुलबुला पानी जो है अंदर में चमकता नजर आता है, ये आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या है ऑप्शन सी आपका, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, तो इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होता है उसी के कारण आपको हवा का जो बुलबुला होता है यानी कि पानी के अंदर कभी कभी आपको चमकता हुआ कुछ नजर आता है, वो अंदर में हवा होता है तो वो इसी के कारण चमकता हुआ नजर आता है, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, दो लेंस जिनकी क्षमता दिया हुआ कितना -15D और +15D को समाक्षी सटाकर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी, जब हम लोग इन दोनों लेंस को जिसका आपको दिया हुआ क्षमता दिया हुआ है -15D और +15D, जब हम इसको समाक्षीय सटाकर, ठीक है, समाक्षीय यानी कि एक दूसरे से सटाकर, समतल सटाकर संयोजन की फोकस दूरी, तब जब उसको सटा देंगे तो उसका फोकस दूरी कितना होगा, यही आपको पूछ रहा है। द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कोएक्सियल कांटेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ पावर -15D एंड +15D, यहां पर 15 है सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -10 cm, ठीक है, ऑप्शन ए -10 cm आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो +15D और -15D रहेगा तो आपका 10 cm 10 cm राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, खगोलीय दूरदर्शक में
आंतरिक प्रतिबिंब होता है। आपको पूछ रहा है द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में यानी कि खगोलीय दूरदर्शक में आंतरिक जो प्रतिबिंब होता है उसका नेचर किस तरह होता है, उसका प्रकृति किस तरह होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, फिर काल्पनिक और उल्टा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, काल्पनिक और उल्टा होता है, यानी कि खगोलीय दूरदर्शक में आंतरिक प्रतिबिंब काल्पनिक भी होता है, यानी कि आभासी भी होता है और उल्टा भी होता है, वर्चुअल भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। सिंपली आपको पूछ रहा है बेलनाकार जो लेंस होता है उसको यूज किया जाता है आंख का कौन सा दोष को दूर करने के लिए, यानी कि उस दोष का नाम क्या है, यह आपको सिंपली पूछ रहा है। तो दोस्तों 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्टिगमेटिज्म आपका राइट आंसर होगा। तो सिलिंड्रिकल लेंसेज आर यूज टू करेक्ट डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, ऑस्टिगमेटिज्म, एस्टिगमेटिज्म उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश का परिमाण तरंग दैर्ध्य जिसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं कि किस रूप में समानुपाती होता है। आपको पूछ रहा है प्रकाश के रेले प्रकीर्णन में प्रकीर्णित प्रकाश परिमाण का तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा के किस रूप में समानुपाती होता है, किस रूप में। यह क्वेश्चन काफी ईजी है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1/λ^4, 1/ यानी कि 1/λ^4 आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, इन रिलीफ सेटरिंग ऑफ लाइट द इंटेंसिटी ऑफ स्केटेड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ लेमडा इन द फॉर्म ऑफ, प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लेमडा इन द फॉर्म ऑफ, इसका राइट आंसर होगा डी, 1/λ^4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है, तो क्या कारण है, यानी कि द कलर ऑफ अ थिन फिल्म इज ड्यू टू, तो क्या कारण है, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखाने का कारण क्या है, व्यक्तिकरण, विवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण मिक्सरण, क्या है। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन है व्यक्तिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस, क्या है, इंटरफेरेंस। तो पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर लॉ इज, तो आपको पूछ रहा है ब्रूस्टर का नियम यानी कि कौन सा लॉ है, कौन सा फॉर्मूला है। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, म्यू इजल टू 10 IP, म्यू इसको क्या कहते हैं, म्यू इज इक्वल टू 10 IP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, लेमडा जिसको हम लोग तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ कहते हैं वाले फोटोन की ऊर्जा है, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज, ठीक है, तो लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा है, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इज। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, SC/λ, SC/λ जो है आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, विच ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन, तो आपको पूछ रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, ठीक है, विजिबल रीजन में कौन सी श्रेणी में, बामर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, लाइमन श्रेणी, पाश्चे श्रेणी, कौन सा श्रेणी है। तो दोस्तों 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन है बामर श्रेणी, बामर श्रेणी जो है वो विजिबल रीजन में पड़ती है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका सभी सब्जेक्ट का लेके आऊंगा अभी चैनल पे, और जैसे ही आपका एग्जाम होगा आंसर की भी इसी चैनल पे आपका लेके आऊंगा, ठीक है। और इस चैनल पे फिजिक्स के साथ साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव कराई जाती है, और अब इंग्लिश की भी अपलोड होगी, आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसी प्रकार जैसे इसमें कराया है उसी तरह इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव उसमें भी कराया है, तो आप लोग जरूर जाके चैनल पे देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ चार्जलेस पार्टिकल, तो आपको पूछा है निम्न में से कौन आवेश रहित यानी कि चार्जलेस जिसके पास चार्ज नहीं है वो कौन सा कण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फोटोन, फोटोन के पास जो है किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, वहीं पे अल्फा कण के पास और बीटा कण के पास और प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, तो कौन सा आवेश रहित है, फोटोन, फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण को आधी हो जाती है उसे कहते हैं, द टाइम ड्यूरिंग विच द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव मटेरियल बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इट्स कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक यानी कि शुरुआत में जो था उससे आधी हो जाती है उसको क्या कहते हैं, औसत आयु कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं, अपक्ष नियतांक कहते हैं, या फिर आवर्तकाल कहते हैं, क्या कहते हैं। तो दोस्तों 30 का जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आवर्तकाल, यानी कि उसको कहते हैं टाइम पीरियड, क्या कहलाता है वो, क्या कॉल्ड, टाइम पीरियड, उसको कहते हैं आवर्तकाल, जो आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, एन टाइप के अर्धचालक में बहुत संख्यक धारा वाहक होते हैं, द मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, तो आपको पूछ रहा है एन टाइप के अर्धचालक में बहुत संख्यक धारा वाहक होती है, तो एन टाइप के अर्धचालक में कौन सा धारा वाहक होते हैं, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, छिद्र, द मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, क्या होगा। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, एन टाइप के अर्धचालक में बहुत संख्यक धारा जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद आपका प्रोटॉन आता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है अर्धचालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन टाइप के अर्धचालक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण तरंगित डिस्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 Hz है तो निर्गम आवृत्ति क्या है, आपको पूछ रहा है इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 Hz देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज, तो क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 32 का आपका ऑप्शन सी,
100 हर्ज क्या है, 100 हर्ज आपका राइट आंसर होगा, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 जो कि दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। एंड द गेट के लिए बुलियन व्यंजक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। ये क्वेश्चन लगभग इस बार शायद पूछ भी सकता है। तो 33 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैं आपको सभी का एक बार यहां पर रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। जैसे देखिए ए और प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू वाई, किसका होता है, ये होता है और गेट का। वहीं पे अगर इसका ऊपर लग जाए तो ये हो गया नॉर गेट, ठीक है। यहीं पे अगर ऊपर लग जाए तो हो गया नॉर गेट, और यहीं पे अगर ये हट जाए, ये हट जाए अगर, तो ये हो गया और गेट। अब नंद गेट का क्या है, ए डॉट बी अगर लग जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा आपका एंड गेट, ठीक है, ये हो जाएगा एंड गेट। लेकिन वहीं पे अगर ऊपर में लग जाए तो वो हो जाएगा आपका नंद गेट, जो कि यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर आपका जो भी है आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, दशमिक संख्या 15 का द्विआधारी मान होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार पूछता है ये क्वेश्चन। रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ 2020 में भी पूछा है, रिजल्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर 15 इनटू बाइनरी विल बी। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1112 1112। अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के जरूर देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब का वहीं पे आपको आंसर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। मैं पिछले वीडियो में भी कराया था इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच फ्रीक्वेंसी रेंज इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन। तो आपको पूछ रहा है टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 MHz से 300 MHz तक। मैंने जैसे कि आपको बताया था M होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखिए 30 MHz से लेकर के 300 MHz तक होना चाहिए आपका आवृत्ति परास का उपयोग किया जाता है टीवी प्रसारण के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो करा चुका हूँ, फिजिक्स का ऑलरेडी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, आप जरूर जाके देखिए। केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी वीडियो जाके देखिए, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो आपका 60 से 70% कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों का तैयारी है तो आप लोग जरूर देखिए, ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नया वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और फोड़ते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।